हमारे साथ हमारे संवाददाता साकेत राय इस वक्त जुड़ रहे हैं मुंबई से, उनके पास हम सीधे चलेंगे। लेकिन उससे पहले मशहूर कॉमेडियन रतन नूरा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सुनील पाल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका जी न्यूज पर, और आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। कोई तो मुझे बता रहा था कि आपने रात में पूनम की खबर सुन के नस काट ली हाथ की। क्या कहें सर, भी मतलब ये समझे कि रात भर जागता रहा मैं, क्योंकि एक दोस्त है, एक अच्छी कलाकार है, एक आमना सामना होता था हर इवेंट में, तो मैं समझता था कि यार उसके जाने का बहुत दुख है। कल की रात मेरी पूनम की रात हो गई थी, मतलब मैं समझ लीजिए कि इस लड़की ने मतलब जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन एक मैसेज दे रही थी, तो उसके जाने का तो दुख हो रहा था, लेकिन एक अवेयरनेस फैला कर गई थी लोगों में, ये मुझे ऐसा लग रहा था। हालांकि उसके जाने का बिल्कुल खुशी नहीं हुई मुझे, और उसके उसका जिंदा रहने की खुशी है मुझे, वापस जो जिंदा हुई है तो उसका पुनर्जन्म जो हुआ है तो उसकी मुझे खुशी हुई है, पूनम का पुनर्जन्म। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको ये तरीका अपनाना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो कोई नहीं है ऐसा तरीका अपनाने के लिए। कल को अगर सचमुच अगर उसके सामने कुछ दुर्घटना हो जाती है तो शेर आया वाला किस्सा हो जाएगा, कोई बचाने के लिए कोई मदद के लिए नहीं आएगा, उसका एक नाटक और ड्रामा ही समझेगा। तो मैं समझता हूँ कि उसको ऐसा समझे से बचना चाहिए, और ये सब करने के लिए सरकार सक्षम। सुनील पाल जी, आप खुद इस इंडस्ट्री से हैं और आपको पता है कि कई बार मार्केटिंग गिमिक होती है, कई बार पब्लिसिटी स्टंट के लिए कई तरह के पैतरे अपनाए जाते हैं, कई बार एक कलाकार खुद नहीं चाहता लेकिन पीआर टीम दबाव बनाती है कि इस तरह की चीजों को करे जब तक कलाकार ना चाहे। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पुनर्जन्म है जिसके लिए मौत की जरूरत होती है, गनीमत है पूनम ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है जो तरीका उन्होंने अपनाया है वो जायज है? बिल्कुल गलत है, मतलब मैं समझता हूँ कि सरकार इसके लिए सक्षम है, और एक दिन बाद आजकल में ही शायद मेरे कैसे कैंसर डे आने वाला है, तो उस दिन पर बहुत बड़ी वैसे भी एक जागरूकता होने वाली थी, और इसके लिए हमारी फिल्म की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज मोदी जी के कहने पर, रिक्वेस्ट करने पर, हम सबके रिक्वेस्ट करने पर आ जाती करने के लिए, आपको करने की जरूरत नहीं थी। इसमें आपकी नियत सर्वाइकल कैंसर को प्रेरित करना कम और अपने आप को पब्लिसिटी करना दे रहा है, आपका स्वार्थ दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि इसको आप अपने का अपने चीजों के लिए प्रमोट कर रही है और अपने स्वार्थ के लिए प्रमोट कर रही है, क्योंकि आप कोई होती ये इतना झूठ बोलकर इतना बुरा जनता के इमोशन के साथ में खेल के आपने ये सब किया, तो बहुत बुरी बात है। इसके लिए हमारे देश की सरकार और हमारे कलाकार सब अच्छे कॉज के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बिल्कुल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। सुनील जी, आपके अपने फॉलोअर हैं, मैं पूनम पांडे का अकाउंट देख रहा था, उनके 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, उतने लोगों तक आप आसानी से सीधी रीच आपकी है, फिर इसके बाद अगर अच्छी कॉज के लिए आप काम करें तो वो वीडियो शेयर भी होते हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत बड़े आसानी के साथ किया जा सकता है। लेकिन क्या पूनम पांडे का यही स्टाइल है कि वो इसी तरह से काम करती हैं कि उनको लगता है कि नहीं, अब हमेशा प्रदर्शन करना, चाहे वो अंग प्रदर्शन हो, इस तरह का भांडा प्रदर्शन करना हो, ये सब इस टाइप का काम करके मुझे लगता है कि ये चीप पब्लिसिटी के, और खुद भी इन्होंने जितनी फिल्में की और जितने काम किए सब बहुत ही चीप रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरह के काम करके इसने जो हरकत की है, मैं समझता हूँ कि अब वो लाइव में आके कह रही कि मैं लाइव हूँ, तो ये आजकल सोशल मीडिया का दुर्भाग्य भी ऐसा है सर कि जो आदमी बदनामी की तरफ एक कदम आगे बढ़ाता है तो बदनाम होने के ही लिए सही सोशल मीडिया उसको इतना फेवर करता है कि बाद में वो इंडियन आइडल का अपना इंडिया सॉरी बिग बॉस का या इस टाइप के प्रोग्रामों का हिस्सा बन जाता है बाद में। ठीक, इतना इतना दुर्भाग्य है जी। लेकिन मैं जरा दर्शकों को सुनाना चाहता हूं कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा कि मैं ये करना ही चाहती थी। ये जरा सुन लेते हैं, फिर आपके साथ में बात करता हूं। I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do. I'm here to tell you that, unlike other cancers, cervical cancer is preventable. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease.
Hi everyone, it's Poonam. I'm sorry I've caused a stir, and I'm sorry to those whom I've hurt. My intention? To shock everyone into the conversation that we are not talking enough about, which is cervical cancer. Yes, I faked my demise. Extreme, I know. But suddenly we all are talking about cervical cancer, aren't we? It's a disease that silently takes your life. And this disease needed the spotlight urgently. I'm proud of what my death news has been able to achieve. And for those who have questions for me, I will see you live on How to Fly. तो पूनम पांडे को एक के बाद एक आपने सुना, हमारे सहयोगी साकेत राय हमारे साथ जुड़ गए। साकेत, जब भी किसी कलाकार की मौत होती है और वो मुंबई में होता है तो सबसे पहले यही जानकारी उनकी पीआर टीम की सामने से आता है कि कहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन कल से मुंबई के तमाम पत्रकार ये जानकारी जुटाने में जुटे थे कि आखिर पूनम पांडे का पार्थिव शरीर कहां है, हालांकि वो जिंदा है। इसके बाद इंडस्ट्री में वहां पर किस तरह की हलचल है, रिएक्शंस भी जरूर सामने आ रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए जब कल मौत की खबर सामने आई थी पूनम पांडे की तो लोगों ने सोशल मीडिया पर दुख जताया था। अब जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर दुख जताया था, आज 12 बजे जब वो खुद सामने आई और उन्होंने बताया कि एक सोशल कॉज के लिए इन्होंने इस पूरे कदम को उठाया है, तो उसके बाद वही गुस्सा भी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन हालांकि देखिए दो अलग अलग हिस्से भी इसमें देखने को हमें मिल रहे हैं। लोग दो तरह की बातें कर रहे हैं। एक, लोग ये ज़रूर मान रहे हैं कि सर्विकल कैंसर के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा इससे जानकारी मिली है, क्योंकि एक नेगेटिव तरीके का जो पूरी तरह से एक जो नेगेटिव तरीका अपनाया गया इस पूरी बात को रखने के लिए, कहीं ना कहीं इसमें पूनम पांडे ज़रूर सफल रहीं। लेकिन लोग इस बात से भी नहीं नकार रहे कि जिस तरीके का इस्तेमाल किया गया वो बिल्कुल गलत था। बिल्कुल साकेत, आप एकदम सही कह रहे हैं, तरीका गलत था। हमारे साथ सुनील पाल भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सुनील जी, देखिए सवाल यही है कि आप जो कार्य करने जा रहे थे वो गलत नहीं है, लेकिन जो तरीका आपने अपनाया वो गलत था। और इसके बाद आपको लगता है कि जो कलाकार है, फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो कल तक कहीं ना कहीं शोक जता रहे थे, आज वो रोष में हैं? बिल्कुल, क्योंकि कल जब ये खबर आई तो वैसे भी लोग इनके मौत पर ज्यादा कुछ 20% लोग ही दुखी थे, बाकी 80% लोग कह रहे थे कि जैसी करनी वैसी भरनी, कोई बहुत अच्छा काम तो तुमने जीवन में किया नहीं, केवल अंग प्रदर्शन किया है, केवल फोड़ फिल्में की है, केवल इसी तरह की हरकतें की है। आज जब 1 बजे ये आकर सबके 12 बजा रही है तो सबको लग रहा है कि यार ये तो और भी, मतलब हमने तो जितना सोचा था इससे तो और कई गुना ज्यादा ये जिस टाइप की रोस्ट करने वाली निकली, क्योंकि जिस टाइप के सर्वाइकल कैंसर के लिए बोल रही है वो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि मल्टीपल पार्टनर्स के यूज की वजह से जो बीमारी होती है वो उसका प्रदर्शन कर रही है ये, क्योंकि इनकी जो इमेज है वो उस तरह से जाती है कि भैया यहाँ पर ये कैंसर इस तरह से भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कैंसर की सर्वाइकल कैंसर जो है वो कहीं ना कहीं इनके थ्रू थोड़ा फूहड़ भी लग रहा है, थोड़ा बुरा भी लग रहा है, थोड़ा अजीबोगरीब लग रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इनको इस सफर में नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी 2 दिन बाद कैंसर डे आने वाला था, मोदी जी या सरकार मिलकर ठीक है कोई कदम लेकिन, उठा लेकिन सुनील जी एक चीज और अब मैं एक कॉमेडियन से बात कर रहा हूँ, एक इंसान सुनील पाल के अलावा थोड़ा सा हटके। वैसे तो मौत पे जोक करते नहीं, लेकिन अब पूनम पांडे ने ये भी सिचुएशन बना दी कि लोगों को या कॉमेडियंस को या स्क्रिप्ट राइटर्स को इस पे भी जोक लिखने का मौका मिलेगा। ये पहली लड़की है जो लाइव में आके बोल रही कि आई एम अलाइव। पूनम का पुनर्जन्म है ये। कल रात तो पूनम की रात थी और मैं रात भर जागता रहा, आप मुझे देख सकते मेरी आंखों में एक एज अ गुड फ्रेंड मुझे बड़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि क्या देखिए इंसान के नाते कलाकार होने के नाते दुख तो होता ही है। लगता था यार 32 साल की लड़की थी बेचारी, हर प्रोग्राम में मिलती थी, कहीं ना कहीं हंसती थी, मुस्कुराती थी, इवेंट्स में मिलते थे, वो डांस करती थी, मैं कॉमेडी करता था, तो मुझे एक पर्सनल एक जैसे कह सकते ना कि एज ए कलाकार मुझे बड़ी दुख की घड़ी लग रही थी। तो मैं रात भर सोया भी नहीं, क्योंकि बड़ा दुख हो रहा था मुझे कि मैं सोच रहा था यार कल सुबह का क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे, तो मैं वो सब चीजें सोच रही थी, बाद में ये पता चला। लेकिन सुनील जी एक बड़ा अहम सवाल हो जाता है, देखिए कई बार अवेयरनेस प्रोग्राम्स आप लोगों के पास भी आते होंगे क्योंकि एक मास अपीयरेंस है, जनता के बीच आपकी आवाज बहुत आसानी से पहुंचती है, पर आपके पास भी तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन होता है कि आप कह दें ना ये मैं नहीं करूंगा।
नहीं, करने में भी हर्ज नहीं है, लेकिन उसका तरीका होना चाहिए ना। अब ये तो जैसे लाश बनकर तुम जिंदा लाश, तुम पहले भी जिंदा लाश थी, वैसे भी देखा जाए तो तुम्हारे मरने के बाद जो कमेंट्स आ रहे थे, जो खबर आई थी मरने, उसके उसकी वजह से तो लोग ऑलरेडी चिड़े हुए थे, तुम तो पहले भी जिंदा लाश थी, अब तुमने क्या पा लिया, अभी एक दिन का दो दिन का फेम है, उसके बाद फिर तुम उसी, क्योंकि टैलेंटेड नहीं हो ना कलाकार, कलाकारी के नाते। अगर मैंने कहा ना कि अगर कैंसर का प्रचार ही करना है या अवेयरनेस ही करनी है, तो उसके लिए बहुत सारी हीरो ने तैयारी होती, क्योंकि ये अच्छा कॉज है, ये अच्छा काम है, अच्छी चीज के लिए कोई तैयार होता है कोई भी, लेकिन तरीका सही होना चाहिए था। इस तरीके में इनको कैंसर की हेल्प ज्यादा कम, इनकी हेल्प ज्यादा मुझे इन्होंने करवाई है। अच्छा, आपकी बात, अच्छा आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो पूनम पांडे जैसे दोस्त किसी को ना दे, या फिर आप ही सच्चे दोस्त हैं पूनम पांडे के, जो कहते हैं ना कि मैं मुंह पे कहता हूं जो कुछ कहता हूं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके जिंदा रहने की मुझे खुशी है, लेकिन जिस टाइप का वो कर रही है, इससे कलाकारों की क्रेडिबिलिटी गिरती है और मुझे ऐसा लगता है कि उनका नाम खराब होता है। लेकिन सुनील भाई, अगर अगर रतन नूरा को ये पता चले कि ऐसा कुछ हुआ है, हमारा नाम है रतन नूरा और इस बात से हो गया मैं खत्म पूरा, क्योंकि पूनम पांडे की मृत्यु की खबर निकली धतूरा और आज बहुत दुखी है हिंदुस्तान पूरा के पूरा। पूनम, तुमने दिया हमें नकली गम, पूनम तुम पूना में थी, लेकिन पूना का नाम भी पूनम आज पढ़ने वाला था, लेकिन पूनम ने उसका भी नाम खराब कर दिया और ये पुनर्जन्म लेकर इंस्टा पर आके तुमने जो इंसानियत को धक्का दिया है, इस बात के लिए हम तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझेंगे, हमें लगेगा तुम पब्लिसिटी स्टंट कर रही हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका और हमारे साथ अपनी बातें रखने के लिए। Zee News.